हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आज तक एसडी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है, जिसमें जो प्लीज थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वोट की जाती है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए 100% थ्रू वीवीपीएटी स्लिप, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली अब जो है वो एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो सीक्रेट जो पेपर बैलेट पे जो वोटिंग होती थी पुराने जमाने में, उसमें उससे दोबारा वोटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। सो द कंट्री विल बी कंटिन्यू विद दिस ईवीएम का वोटिंग प्रोसेस। विथ मी इज कनु सारदा और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। उनसे समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या क्या कहा अपने जजमेंट में और कितना बड़ा ये सेटबैक है इनफैक्ट फॉर दी ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो, बिकॉज दे हैड बीन चैलेंजिंग दिस होल ईवीएम थिंग्स, और हमेशा उन्होंने सवाल उठाया ईवीएम पे। कनु, पहले बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा ये प्ली के बारे में। जी, दो कंकरेंट जजमेंट आए हैं, एक जस्टिस खन्ना और एक जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से। उसमें सबसे पहले जो पिटिशनर्स की मेन डिमांड थी कि दोबारा से बैलेट पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए और जो वीवीपैट है उसको ईवीएम में जितने भी वोट्स पड़ते हैं उनसे 100% टैली कराने की बात जो मांगी गई थी उसको कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। बोला है कि हम वापस उस सिस्टम पे नहीं जा सकते। दूसरी अहम बात जो है वो इस ऑर्डर में जो आज आई है वो ये आई है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है उसको जो है 45 डेज तक अब प्रिजर्व करना होगा इलेक्शन रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से पहले ऐसा नहीं होता था। ये चेक्स एंड बैलेंसेस इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपने जजमेंट को डिलीवर करने से पहले इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को खुद सुप्रीम कोर्ट में बुलाया था और इलेक्शन कमीशन से खुद 1-to-1 क्वेश्चन पूछे थे कि ईवीएम एक्चुअली काम कैसे करती है। इतनी डिटेल में ईवीएम की बारीकियों को समझा गया था बेंच के द्वारा। तभी उन्होंने इतना माइन्यूट डायरेक्शन दिया है कि जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होती है उसको भी प्रिजर्व करना कैसे करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में पूरी डायरेक्शन है। ये बताना यहाँ जरूरी है कि ये 1 मई से ये डायरेक्शन लागू होगी। तो अभी जो 2 फेज हम देख चुके हैं, 3rd फेज से पहले पहले ये डायरेक्शन जो है लागू होगी। अब जो इलेक्शन का फेज होगा May 1 के बाद उससे ये जजमेंट जो है वो लागू होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको ईवीएम पे डाउट है या उनको लग रहा है कि ईवीएम के साथ कुछ किसी तरह की टैम्परिंग हुई है वो 7 दिन के अंदर अंदर ईसीआई को लिख सकते हैं और ईसीआई जो है वो ऑर्डर कर सकती है उसका रिवैल्यूएशन। यहाँ पे एक बार यही है कि जो खर्चा होगा वो कैंडिडेट को बेयर करना होगा, पर अगर टैम्परिंग पाई जाती है तो ये पैसा कैंडिडेट को वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 चीजें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले आज तक पहले कभी हुआ नहीं था। ये इसलिए ये सामने आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कोशिश की कि वो खुद समझे कि ईवीएम पे जो बार बार सवाल उठाए जा रहे थे उसमें कितना दम है और कितना दम नहीं है। जब कोर्ट को ये विश्वास हुआ है कि ईवीएम जो है वो उसकी फ्लैश मेमोरी से लेके उसकी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट और सिंबल लोडिंग यूनिट और जो जो फाइनली जो वीवीपैट स्लिप निकलती है उसमें क्या डिफरेंस आता है और कितना डिफरेंस आता है, ये पूरी बात जानने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी माना था कि इतने सारे इलेक्शंस में से इतनी सारी वोटिंग्स में से हमें सिर्फ एक केस मिला है जहाँ पे मिसमैच हुआ है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन भी यहाँ आता है कि सिर्फ सस्पिशन केसेस पे हम पूरे प्रोसेस को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। एक बात बताइए कि ये जो 100% वेरिफिकेशन की जो बात होती है उस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं अग्री किया, क्योंकि ये जैसे बहुत सारे वोटर्स या इनफैक्ट ऑपोजिशन भी जो कहती है कि डाउट रहता है कि हम बटन दबाते हैं स्लिप निकलता है, तो वो स्लिप जो डायरेक्टली मशीन में जा रहा है वो अगर हम ही लेकर के खुद से डाले तो एक वेरिफिकेशन भी हो जाए कि हाँ वी आर सेटिस्फाइड कि हमने जिसको वोट दिया है वही स्लिप हमने डाला है। अभी का जो प्रोसेस है उसमें है कि शायद अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो शायद रैंडम आप 5 ईवीएम्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 ईवीएम्स को आप वो कर सकते हो। आई थिंक यू नो इट बेटर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्यों ये चीज नहीं हो सकती?
देखो यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि ये जो डायरेक्शन है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2 बार इंटरफेयर कर चुका है ऐसे इसी मुद्दे पे। जब पहली बार जब किया था तो तब तभी से जो है एक असेंबली सीट पे पांच किसी भी रैंडम 5 ईवीएम्स को उठा लिया जाता है और उससे वीवीपैट और जो वोट्स कास्ट होते हैं जो उनका टैली होता है। तो ये डायरेक्शन तो अभी भी लागू है और ये रहेगा भी। एक डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये भी आया है कि ईसीआई को डायरेक्शन दिया है कि आप कंसिडर कीजिए जो वीवीपैट पे जो स्लिप्स निकलती है उस पे बार कोड का कोई प्रोविजन हो। बार कोड की प्रोविजन से ये होगा कि जो समय लगता है मैनुअल काउंटिंग में वो कम हो जाएगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस डायरेक्शन को फॉलो करता है या मानता है इस इलेक्शन में या आगे आने वाले इलेक्शन में, तो एक ही बहुत बड़ा कदम होगा। तो हो सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर हम दोबारा से पूरे 100% वीवीपैट और वोट्स की गिनतियों के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये उन्होंने अपनी दलीलों में भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया। पर यहाँ पे अगर बार कोड लग जाता है, अगर वीवीपैट स्लिप के नीचे बार कोड लग जाता है, तो ये जो सुविधा है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। जो मैनुअल काउंटिंग जिससे हम लोग डर रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये हियरिंग के दौरान भी हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में भी, एक ये डायरेक्शन नहीं है, एक सजेशन है सुप्रीम कोर्ट का ईसीआई को। अगर ईसीआई इसे इंप्लीमेंट करता है तो आने वाले समय में शायद हम देख सकते हैं कि जो मैनुअल काउंटिंग जिसके बारे में ईसीआई वरिड है कि उससे बहुत समय लगेगा, शायद वो बच जाए उससे। अब जो पेटिशनर थे प्रशांत भूषण से अगर आपकी बात हुई या फिर उनका रिस्पांस क्या रहा है वर्डिक्ट के बाद? देखिए उनका यही कहना है, वो हमेशा से यही मुद्दा उठाते आए हैं कि जो है ईवीएम जो है वो प्रॉपर मशीन्स नहीं है। उनका कहना है कि ईवीएम यहाँ मैन्युफैक्चर भी नहीं हो सकती, ईवीएम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, ईवीएम में ईवीएम को मैनुपलेट किया जा सकता है। पर जहां तक हियरिंग्स जो मैंने भी अटेंड करी है बहुत क्लोजली, बता सकती हूँ कि ईवीएम ही यहाँ नहीं आई थी बस सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा उसकी इतनी माइन्यूट डिटेल्स शायद ही कभी किसी जज ने इतनी बारीकी से समझी होगी या किसी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को इतनी आसान भाषा में समझाया होगा कि ईवीएम एक ऐसी चीज है जिसके हमें ही नहीं पता होता कि उसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑलरेडी है। पर हाँ, इलेक्शन कमीशन ने ये भी माना था कि देखिए ये मशीन है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने वाले लोग ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो पर बहुत लेवल तक सेटिस्फेक्शन उसने दिखाया और जो जो प्रशांत भूषण की जो दलीलें थी वो उनको बहुत ज्यादा वो नहीं करते हुए अब उन्होंने यही बोला कि आपको किसी सिस्टम पे विश्वास दिखाना होगा, क्योंकि अगर विश्वास नहीं दिखाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हम हर चीज पे डाउट कास्ट नहीं कर सकते। क्या प्रशांत भूषण ने ऐसा कुछ कहा है कि हायर इसको इस बॉडी को चैलेंज करेंगे? चैलेंज करने का की बात जहां आती है निशांत, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस का फैसला है, डिटेल फैसला है, वो किस बेसिस पे चैलेंज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास कोई ठोस कॉन्स्टिट्यूशनल वजह होनी चाहिए। अब इससे अगर चैलेंज करना है इनको हायर हायर में क्या चैलेंज करेंगे? ये बेसिकली रिव्यू फाइल कर सकते हैं कि आपको आपने आपने कोई पॉइंट रेज किया और वो रिव्यू में आ जाए। पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ये मुद्दे को जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया है। इससे पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर चुका है इस केस में, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे और कोई चर्चा होगी। अगर इस ऑनगोइंग इलेक्शंस हैं, अगर इसमें कोई धांधली या कोई ऐसी चीजें सामने आती हैं या बहुत सारी टैम्परिंग सामने आती है, तो हाँ जरूर ये पिटिशनर के पास जरूर मौका होगा कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए कि अभी भी ईवीएम में टैम्परिंग और इन सब की शिकायतें का फ्लो आ रहा है इसी के बेसिस पे। पर अनटिल अनलेस अगर कोई शिकायत नहीं आती है या कोई ठोस चीज वजह नहीं होती है, तब तक जो है अब दोबारा से इस ऑर्डर को चैलेंज करना जो है वो लगभग इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। एक एक लास्ट क्वेश्चन करूं। ये जो बैलेट पेपर की जो बात होती है वो कई बार ऑपोजिशन लीडर्स इस बात को कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो ईवीएम को इम्प्लीमेंट किए थे वो वापस चले गए हैं बैलेट पेपर सिस्टम पे। बैलेट पेपर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था वो बताइए जरा। जी, बैलेट पेपर पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि आप देश के
वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो कंट्री से आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या या वो यूएस का प्रेसिडेंशियल पोल हो या जर्मनी में हो, तो वहां पे जो है वो जनसंख्या कितनी कम है और हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी ज्यादा है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में साफ बोला था कि ये देखिए हम बैलेट पेपर पे दोबारा नहीं जा सकते, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए मुड़के। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेज इंट्रोड्यूस किए। आज उन्होंने ये बताया कि अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि पहले इससे पहले कभी भी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को 45 डेज के लिए प्रिजर्व नहीं किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो अगर कोई इलेक्शन को चैलेंज करता है तो उसको उस पर भी क्लैरिफिकेशन मांगी थी इलेक्शन कमीशन से कि आप ईवीएम को कितने टाइम तक सील रखते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने भी ये क्लैरिफाई किया कि हम 45 डेज तक सील रखते हैं, तब तक इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, उसके बाद हम रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को लिखते हैं, हाई कोर्ट से जब हमें प्रॉपर जवाब आता है कि कोई इलेक्शन पिटिशन शामिल मतलब नहीं हुई है तभी हम इन्वॉय करते हैं। तमाम तरह के लोग सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मतलब उसके बाद ही ये बात हुई। ओके, थैंक यू कानू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन।